Guys, bertanya kawan-kawan kami kita selesai dalam. Cara mana lagi ini? चाय बन की रही गाइस, अब लगाते हैं।
हेलो गाइस, मैं रेनू शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं दोपहर में अपना लंच तैयार करने के लिए तैयार हूँ और मेरी काव्या आ गई है, उसको भूख लग रही है। गाइस, आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। गाइस, आज ना मैंने सर में मेहंदी लगाई थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। गाइस बताना कौन कौन अपने सर में मेहंदी अपने आप लगा लेता है। गाइस, मैंने तो अपने आप ही लगाई थी क्योंकि ना मेरी भांजी है एक, वो ना अपने गए हुए हैं, उनका एग्जाम है इसलिए वो गई हुई है। तो मैं पहले से रात को कह देती हूँ आप ना मेरे मेहंदी लगा देना पूजा। वो बेचारी बहुत बिजी रहती है लेकिन फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल देती है तो वो मेरे मेहंदी लगा देती है। हम तो ना मामी बेटी एक दूसरे के लगा लेते हैं। गाइस, आजकल तो सबके ही वाइट वाल ज्यादा हो जाते हैं और मेरे तो बचपन से ही थे, शुरू से मेहंदी लगाती आई हूँ तो इतना हो ही नहीं लगता। और मैं मेहंदी लगाती हूँ अपने सर में। आज बना रही हूँ मैं दाल चावल। बताना गाइस किस किस को अच्छे लगते हैं दाल चावल। मेरी काव्या को बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत कम पसंद है दाल चावल। मुझे तो पसंद है, मेरा तो फेवरेट है दाल चावल, अरहर की दाल और चावल। आप बताना किसके फेवरेट है दाल चावल। गाइस, मैंने सुबह का मॉर्निंग रूटीन दिया था, आप देखना उसको भी। और ये मेरा दोपहर का है, अभी पूजा वूजा करके जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मैं, अब खाने की तैयारी करने के लिए आ गई। गाइस, आज मैंने कूलर की भी सफाई करी थी। कूलर मेरा बहुत गंदा हो रहा था और पानी वानी निकाला उसका, ज्यादा दिन भी गए पानी रखना उसमें अच्छा नहीं होता, मच्छर वच्छर हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा उसकी सफाई कर दी आज मैंने, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। और गाइस बताओ आप लोग सब ठीक हैं? आप मुझे कमेंट्स नहीं करते गाइस, गाइस सपोर्ट करो मेरे को। सभी को अच्छे लगते हैं ज्यादातर, मेरी काव्या को तो बहुत पसंद है दाल चावल, अरहर की दाल और चावल, और आदि को भी बहुत पसंद है, अभी आ रहा होगा तो दाल चावल ही खाएगा। गाइस, तीजों की तैयारी आपकी कैसी चल रही है आप बताना। मेरी तो मैं सामान मेरे हस्बैंड दीदी के लिए तो साड़ी वगैरह ले आए हैं लेकिन मैं तो अपनी शादी की साड़ी पहनूंगी, मेरी शादी की साड़ी है ग्रीन कलर की, उसी को पहनूंगी। गाइस, हमारे यहाँ आपके इतनी जोरों से तीजों का नहीं होगा क्योंकि मेरे बाबू जी मेरे ससुर जी हैं उनकी डेथ हो गई थी इसलिए मैं इतना, और हमारा ना जो त्योहार भी है ना वो गांव में ही मनेगा रक्षाबंधन का, आपको मैं वहां जाके दिखाऊंगी कितना अच्छा है, वहां पे हरियाली है, सारे में हरियाली बहुत अच्छा लगता है भाई, हम सब लोग जाएंगे वहां। एक कप चावल लिए थे मैंने, वो एक गिलास चावल लिए थे मैंने और एक गिलास ही पानी डाला था, अब इसमें एक सीटी आ जाएगी। मैं दाल में लगा लेती हूँ तड़का। गाइस देखो मेरे हाथ भी ना लाल लाल हो गए हैं थोड़े थोड़े, देखो मेहंदी लगाई थी ना अपने हाथों से। एक
मेहंदी की कीप मंगाऊंगी। गाइस मेरे पे मेहंदी तो लगानी आती नहीं है, लेकिन मैं नेक के लिए थोड़ी थोड़ी लगा लूंगी। काव्य पापा आ गए बेटा, खुल गई गेट। इसमें डाल देती हूँ प्याज। मैं इनके लिए तो रोटियां बनाऊंगी और काव्य आदि और मैं, हम तीनों दाल चावल खाएंगे। बताना किस चीज के हस्बैंड चावल खाने के लिए मना करते हैं। मेरे हस्बैंड तो मना करते हैं चावल खाने के लिए, कहते हैं मोटे हो जाते हैं चावल खा के। इसलिए नखरे करती है गाइस, मैं अपने कान्हा जी का भोग लगाया आपकी। अरे तेरा कौन अब तो पापा ने कान्हा जी का भोग लगाया। चल कान्हा जी का भोग लगा के आप पहले।
आजा खा गया ले कान्हा जी का भोग लगा गया लगा गया तेरे लिए मैं दे रही हूँ भगवान जी आप खा लो अभी खा लो दाल चावल फेवरेट वाले आप लोगों के लिए पहला वाइट पहली हर अब हम मिलेंगे।